तो देखिए जो आपकी सेकंड यूनिट थी वो यूनिट चल रही थी, लेकिन एक यूनिट जो आपकी फर्स्ट थी उसमें एक ऐसी इक्वेशन थी, आप क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा आपको, है ना, ऐसा ठीक है, ये वाला था, हाँ, इसको अपने को सॉल्व करना था, रेखीय अवकल समीकरण थी, इसको सॉल्व करना, देखिए इसका जो आरईएफ होगा ना वो क्या होगा, e की पावर pdx, यानी कि p कितना है, 2x और dx, और ये समझ रहे हो ना, तो ये e 1 by 2 और log x, है ना, ये वाला। अब इसके बाद क्या होगा, e की पावर log और root x, और ये log, ये root x है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैंने निकाला था तो मैंने क्या कर दिया था, गलती से 1 by 2 की जगह 2 कर दिया था, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो पूरे क्वेश्चन को मैंने 2 से ही कर दिया था, मतलब 2 रख के ही कर दिया था, तो जो क्या जो सही नहीं है तो आप उसको इस तरीके से कर लें, हाँ, कर लेना, ठीक है, अब भी देखें आप कर लेना, आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको लगा भी होगा, हाँ, अभी देखें जो अपना क्वेश्चन है वो है, वो सेकंड यूनिट d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और y इक्वल्स कितना है, cos x डॉट और cos 2x, देख अब ये cos x है और cos 2x, अब cos x और cos 2x जब दोनों हैं और दोनों प्लस में नहीं है, इनटू में, डॉट में, है ना, गुणा में, तो गुणा में है तो दो फ्रैक्शन अगर साइन वाइज साइन के और कॉस के तो उनका तो अपन कर नहीं सकते ऐसे, तो है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शनों का एडिशन में लाएंगे। देखें मैं एक चीज लिख रहा हूँ, देखना क्या कभी आपने इसको पढ़ा है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, क्या पढ़ा है कभी ऐसा, है ना, ये सर्वसमीकरण सबने पढ़ी है। देखिए इस वाली फॉर्म में और इस वाली में लाना है अपने को, ये लो टू से ऊपर नीचे गुणा कर दे, तेरे को ये सेम होगी। अब ये कब हो वो देखो, अभी बता रहा हूँ, जैसे मैं कोस कर दूँ यहाँ पे 3x प्लस कोस x, हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 2 कोस 3 प्लस x 4x, 4x बाई 2 2x, और इन 3x माइनस x करूँगा तो 2x और ये x, देखिए सेम आ गए नहीं आगे ये वाला, हाँ, तो इसका मतलब है कि इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे, ना ऐसे, हाँ ये इसका हो गया। अब देखिए यहां के बाद तो दोनों फ्रैक्शन किस में आ गए, एडिशन में आ गए, अब आराम से हो जाएगा। अब देखें d को किससे रिप्लेस करते हैं अपन, m से, और फिर जो fm है वो किसके बराबर रख देते, 0 के बराबर, है ना, शून्य के बराबर रख देते। अब देखें n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और ये भी m स्क्वायर प्लस 1, क्यों स्क्वायर है दो बार लेते हैं, ठीक है। अब इसके जो फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस आएगा, इसके भी प्लस माइनस आएगा, इसके भी प्लस माइनस आएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ तक। तो इसका CF क्या होगा, जो इसका CF होगा वो देखना, वो जाएगा C1 प्लस C2X ना, और यहाँ पे आ जाएगा cos X प्लस C3 प्लस C4 और ये X है, और यहाँ पर sin X, और ये वाला यहाँ से, और यहाँ पर आएगा e की पावर 0 X, क्योंकि अल्फा का मान 0 है, कुछ है ही नहीं, तो जो कंप्लीट जो इसका CF आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2X और cos X प्लस C3 प्लस C4X और यहाँ पर sin X, ठीक है, ये हो गया आपका CF। अब अपने को निकालना है PI ना, तो यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी निकालना होता है तो देखिए अब एक है अपने पास cos 3X अपॉन 2 और ये कितना है d प्लस 1 का d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब कितना है cos x 2 d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर ठीक है ना। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को करें कि ये देखें cos वाला है ना, तो देखें
cos 3x अपॉन 2। और अपन जानते हैं किसमें, पहले वाले फ्रैक्शन में अल्फा का मान कितना है 3, और d स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करते हैं अपन, माइनस अल्फा स्क्वायर। जब कैसा फ्रैक्शन हो अपने पास, साइन या कोस का फ्रैक्शन हो, तो d स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रखेंगे तो अल्फा का मान कितना है 3, अल्फा स्क्वायर 9 और माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो रखें ये हो गया अपना सोच। ठीक है, आगे वाला देखें आप, कोस एक्स अपॉन, अब देखें कोस एक्स की बात करूंगा तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 1 और अल्फा स्क्वायर 1 और माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 0, तो 0 तो करना ही नहीं है अपने को ना, 0 हो जाए तो दूसरा मेथड है ना, तो पहले जो सेकंड वाला हुआ है एज इट इज छोड़ दिया और पहले वाले को सोल्व कर दिया। देखिए पहले वाले का सोल्यूशन जो है वो कितना आ गया, 8 और 8 का स्क्वायर 64 और 64 128 ये है ना, प्लस ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e आयोटा x 2d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ठीक है, अब देखें cos 3x अपॉन 128 सॉरी, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ e आयोटा x अपॉन 2, ये देखना इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, डी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा वही बात है, क्योंकि यहां पर आयोटा की फॉर्म होगी तो इनको भी आयोटा में बनना खोलना पड़ेगा अपना है ना। अब देखें e की पावर x का क्या रूल होता है, पीआई याद करते हैं, तब यहां जो अल्फा का मान होता है वो डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं, और अगर जीरो हो रहा है रखने पर जीरो हो रहा है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए यहां पर अगर डी रखा हूं, डी की जगह आयोटा रखा हूं तो ये तो जीरो था डी माइनस आयोटा, लेकिन ये नहीं हो रहा तो डी माइनस आयोटा को पहले ही बाहर ले लूं मैं, देखिए 1/2 और ये डी माइनस आयोटा का स्क्वायर है ना, और ये यहां पर बच गया ओनली आर पी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स और डी प्लस आयोटा, डी प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए d प्लस आयोटा, तो आयोटा रखूंगा, d की जगह क्या रखूंगा आयोटा रखूंगा, नेक्स्ट टर्म लिख देता हूं ऊपर थोड़ा सा, ये लो अब क्या रखूंगा मैं r p पार्ट ऑफ आयोटा x अपॉन d की जगह क्या रखूंगा आयोटा, तो आयोटा आयोटा 2 आयोटा, और 2 आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, यानी कि 4 और आयोटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा -1, ध्यान रखें पूरा सॉल्व किया है d आयोटा 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 2 आयोटा और 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, और 4 4 का 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है, अगर इस 4 सॉल्व करता हूं तो देखें cos -1/8 cos -1/8 और यह कितना आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ e आयोटा x अपॉन p -1 का स्क्वायर, यहां तक है ना, यहां तक है ठीक है। अब आगे देखें, जब यहां तक ठीक हो गया क्वेश्चन ये यहां करें है ना, अब क्वेश्चन देखें आयोटा आयोटा तो है नहीं नीचे ऊपर, तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को है ना, इसका देखें cos 3x अपॉन 128 -1/8 हाँ। अब देखें इसके जगह अगर आयोटा रखा तो ये तो जीरो हो रहा है, वो वाला पार्ट ये तो जीरो हो रहा है, तो इसका सीधा फॉर्मूला से करूंगा, ये देखो स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हाँ फैक्टोरियल 2 और रियल पार्ट ऑफ e आयोटा x, और रियल पार्ट जो होता है e आयोटा x का वो कितना होता है सबको पता है cos होता है ना, तो ये जगह x स्क्वायर और ये जगह cos x, ये लो तो ये हो गया इसका आंसर ये वाला, तो ये हो गया अपना कितना pi, तो जो टोटल है y बराबर वो कितना हो गया ca plus pi, तो cf लिखें c1 plus c2x और यहाँ पर cos x plus c3 plus c4x और यहाँ पर sin x प्लस पी आई कितना है cos 3x और 128 सॉरी हाँ 128
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 और ये कॉस एक्स, ये हो गया अपना वाई का मान, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन जो थी इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है, उतार डालें इसको और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k। हाँ यहाँ तक, और फिर है प्लस के स्क्वायर वाई बराबर ए कॉस पी एक्स, ए कॉस पी एक्स। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, बस ये के वे दे रखा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना, पहले वैल्यू होती थी अब के, कोई दिक्कत नहीं। तो डी स्क्वायर प्लस 2k डी प्लस के स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बराबर a cos px। वही बात, d का मान m से रिप्लेस करो, f जो m है फंक्शन वो 0 हो जाए। तो देखें एम स्क्वायर प्लस 2km प्लस के स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। और देखें इसके फैक्टर भी देखें आप, एक km और km, है ना, देखें जोड़ोगे तो वापस से km km 2km आ रहा है, और अगर दोनों को गुणा करें तो एम स्क्वायर के स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा करें तो वही आ रहा है एम स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखें आप कॉमन ले लें m, तो यहाँ से m प्लस k आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेते हैं k, यहाँ से m प्लस k, हाँ फिर देखें यहाँ से m प्लस k और m प्लस k, तो जो फैक्टर है वो m की मान लेंगे माइनस k और माइनस k, हाँ। तो ऐसा सी एफ लिखना तो बहुत ईजी है, देखें सी एफ तो बहुत ईजी है, सी वन प्लस सी टू एक्स ब्रैकेट और e की पावर माइनस x, माइनस सॉरी k x, माइनस k x, ये तो हो गया सी एफ आपका, ठीक है। अब पी आई देख लें, पी आई कितना है a cos px अपॉन कितनी है d square प्लस 2kd और प्लस k square, बस ये आपका, है ना। तो देखें जब आप d square की जगह क्या रखना अपने को, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा का मान कितना p, अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर यानी कि माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो रख दें डी स्क्वायर इज सोल कर ए कोस पी एक्स अपॉन यहां पर माइनस का पी स्क्वायर प्लस 2k डी प्लस के स्क्वायर, अगर इसको और सुव्यवस्थित तरीके से लिखें तो ऐसे नहीं हो जाएगा 2k डी प्लस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लो ये हो गया अपना। अब इसको अपन को वापस इस डी को खत्म करना है, तो इस ये डी कब खत्म हो, जो ऊपर और नीचे अपन इसी से गुणा कर दें इसको, तो देखें 2k डी माइनस के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इससे अपन ने को क्या किया ऊपर इसको गुणा किया, और इसका ही अपन इसको में डिवाइड भी करेंगे, हाँ। और ये लो ना, अब देखें वही जगह 2kd माइनस k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आपका ये वाला बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a cos px अपॉन, और इन दोनों ये जो है ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो जाएगा 4 के स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस, हाँ, और ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आप वापस ये हो जाएगा अपना 2 के डी
टू के डी माइनस के स्क्वायर और पी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए कोस और पी एक्स। अब वापस से डी स्क्वायर निकलेगा क्या, माइनस पी स्क्वायर है ना, ये रखेंगे ये माइनस के स्क्वायर और पी स्क्वायर, और इसको खोल दें होल स्क्वायर तो जाएगा माइनस का के स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का टू के स्क्वायर और पी स्क्वायर, फोर फोर यहाँ तक ठीक है, ये फोर फोर हो जाएगा के स्क्वायर तो अंदर ही, तो ये हो जाएगा माइनस का के फोर माइनस का पी फोर और प्लस टू के स्क्वायर और पी स्क्वायर। आप देखिए वहां से देखिए ये जाएगा टू के डी माइनस के स्क्वायर और पी स्क्वायर और ब्रैकेट ए कॉस पी एक्स अपॉन अपॉन में करेंगे तो केस देखो माइनस कॉमन पहले तो काट रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इससे कट जाएगा और नेगेटिव का अपने पास कितना बच जाएगा टू बच जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब इस इन तीनों में माइनस ये कॉमन आ रहा है माइनस ले लिया, और अंदर जो है ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, बना दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये होल स्क्वायर बन रहा है और जो आपका ये वाला है ये इसको माइनस को अंदर गुणा कर दो तो जाएगा के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पहले आ जाएगा, अब हो जाएगा टू के डी ठीक है, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पर अपना आ जाएगा क्या ए कॉस पी एक्स। अब देखिए अब सोल्व करेंगे, अब ये तो हो जाएगा एज इट इज ऐसा कैसा ए कॉस पी एक्स अपॉन, इसको अंदर गुणा कर दी कोस वाले फ्रैक्शन को, अब माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू के अपॉन के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें डी है ना आगे, तो कोस पी एक्स का जो आपका अवकलन है वो कितना होगा माइनस का साइन पी एक्स, और पी यहां पर आ जाएगा और माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो ये जो है आपका ये इसका सी एफ होगा, ये पी आई होगा, दोनों को ऐड करके लिख दें और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखें इसका जो वाई बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये सी एफ हो गया और यहाँ से प्लस एडिशन का साइन लगा के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए कोस पी एक्स अपॉन के स्क्वायर पी स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर ठीक है प्लस टू के पी ए और कोस सॉरी साइन और यहाँ पर पी एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस प्लस पी स्क्वायर का एक मिनट पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो गया पूरा है ना। बस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन इजी था, बस यहाँ पर क्या वैल्यू है नहीं दे रखी थी, वो पी दे रखा था कहीं के दे रखा था, तो घबराए नहीं ऐसे ही होंगे क्वेश्चन ठीक है। देखें जो आपका क्वेश्चन था पिछले वाला हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 16 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन ये है बी कॉस बी डी है ना, यही है एक बार देख लेना, हाँ ठीक है यही। अब देखें ये आपका क्वेश्चन है और आपको प्रश्न में दिया गया है कि If x 0 और dx by dt बराबर 0 और on t बराबर 0, यानी कि जब t बराबर 0 है तो आपके ये जो दोनों है वो आपके 0 है हाँ, और इसको अपने को शो करना है, तो कुछ नहीं करना वही सबसे पहले लिख लो इसको, देखें b square plus b square x बराबर b cos b t, m से रिप्लेस कर दें m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, m का मान आ गया कितना प्लस माइनस आइटा b। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुने, पहली बात तो प्रश्न में जब आपकी बुक है ना, बुक में जो प्रश्न है वो गलत छपा हुआ है, तो यहाँ पर v दे रखा है x की जगह, आप उसको x कर लें और यहाँ आपको x स्क्वायर दे रखा है वहाँ पर t स्क्वायर कर लें ठीक है। आगे चलें
आगे चलते हैं, तो इसका देखें सी एफ, इसका सी एफ बहुत सही हो जाएगा, कितना सी वन कोस बी ए बी टी बी टी बी टी टी है ना, तो यहाँ पे टी प्लस सी टू और साइन और टी, देखिए कितना सही है ना, सी वन कोस बी टी प्लस सी टू साइन टी साइन बी टी, हाँ ये होगा आपका सी सी एफ और पी आई देखें, तो ये होगा बी कोस बी टी, बी कोस बी टी अपॉन कितना है अपना वही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही, हाँ तो देखिए अब डी का जो मान है वो कितना है बी, डी का मान बी है, अगर डी का मान बी है तो डी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और अपने अपन जानते हैं कि डी स्क्वायर की जगह अपने को माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस करना होता है जब फंक्शन साइन और कोस होते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो जीरो हो रहा है, और जीरो अपने को होने नहीं देना है, अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब उसको रियल पार्ट और उनमें चेंज करो है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे बी रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा बी टी, ई आयोटा बी टी यहाँ तक ठीक है, अपॉन ये कितना डी माइनस आयोटा बी, और यहाँ पर कितना डी प्लस आयोटा बी, अब देखिए जिसकी वजह से जीरो हो रहा है उसको भाग ले, तो डी माइनस आयोटा बी की वजह से जीरो हो रहा है क्योंकि आयोटा बी रखते ये जीरो कर रहा है ठीक है, तो ओके देखिए ये हो गया बी, हाँ और भाग इसको लेना है डी माइनस आयोटा बी को भाग लेना है, और यह जाएगा रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा बी टी, ई आयोटा बी टी, और यहाँ पर रखेंगे तो डी प्लस आयोटा बी की जगह यहाँ पर रखेंगे आयोटा बी, ये हो जाएगा टू आयोटा बी, टू आयोटा बी, ये लोग बी से बी कट गया ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं, अब देखें यहाँ आ गया अपना वन बाई टू आयोटा, हाँ तो इसको आयोटा से इसको गुणा कर दें और आयोटा से ही ऊपर गुणा हो जाएगा, ये वन है ये आयोटा नहीं, ध्यान रखना वो वन आयोटा ठीक है, और तो ये कितना आ जाएगा आर पी पार्ट ऑफ ई आयोटा बी टी अपॉन डी माइनस आयोटा, इसकी वजह से जीरो हो रहा है, अगर इसकी वजह से जीरो हो रहा है तो इसको क्या करें इसको अपन फॉर्म में लिख देते हैं, तो अगर इसको अपन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे देखिए अब ध्यान दें इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा वन इंटू आयोटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का वन बाई टू आयोटा, और ये रियल पार्ट ऑफ ई आयोटा बिट, और ये देखें डी माइनस आयोटा की वही पावर कितनी है वन, ये हो जाएगा टी अपॉन फैक्टोरियल वन, टी क्यों टी क्योंकि यहाँ पे देखो टी का फलन है ठीक है, हाँ यहाँ पर टी का फलन है, अगर यहाँ पर एक्स का फलन होता तो अपन क्या लिखते एक्स, वाई का फलन होता तो वाई का लिखते, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी टी का फलन तो टी ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये देखें माइनस टी वाई टू और आयोटा, और यहाँ पर टी एल पार, यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा कोस बी टी प्लस आयोटा साइन बी टी, ये देखें अब रख दें जो आपको आयोटा है इसको अंदर गुणा कर दें, तो अंदर गुणा करें इसको देखें माइनस का टी बाई टू और रियल पार्ट ऑफ आयोटा कोस बी टी माइनस साइन बी टी, अब देखें अंदर चला गया आयोटा आयोटा माइनस वन हो गया तो माइनस आ गया साइन, अब देखिए इसमें से रियल पार्ट कौन सा है साइन वाला, तो साइन वाला लिख दें बस टी बाई टू और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन बी टी, ये हो गया अपना टी साइन बी टी बाई टू, ये पी आई आ गया, अगर पी आई अपना ये आ गया तो टोटल जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होती है सी एफ प्लस की सी एफ कितना है सी वन कोस बी टी प्लस सी टू साइन बी टी, हाँ और प्लस पी आई कितना है टी बाई टू और यहाँ पर साइन बी टी, ये हो गया, अब देखें ये एक्स की वैल्यू आ गई, प्रश्न में क्या गिवन आपने को कि x का मान 0 है और dx by dt भी 0 है, तो निकालें dx by dt निकालें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस d c1 और cos का sin dt है ना, और ये इसका मैंने पहले कर दिया b का ठीक है, ये नॉर्मल अवकलन ये तो आप कर ही सकते हो आराम से ना, तो इतना ज्यादा इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है ठीक है, b c2 और cos dt प्लस आपका प्लस वही बात है कि वन बाई टू बाहर और इसको फर्स्ट सेकंड नॉर्म की करते हैं,
अगर टी का कर रहे हैं तो साइन भी टी को छोड़ देंगे, है ना, और अगर अपन उसको टी को छोड़ रहे हैं तो अपन उसका साइन उसका कर देंगे कॉस भी टी, और यहाँ पर बी हो जाएगा, टी पी हो जाएगा, है ना, ये वाला ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखें ये कह रहा है कि जब अपना पहले सुने आप, ये कह रहा है कि जब एक्स जीरो है, यानी कि एक्स तो जीरो ये लिख दिया एक्स इसमें रख रहा हूँ एक्स जीरो, तो ये कह रहा है और कब जीरो जब टी बराबर जीरो, तो देखें इसमें टी का मान जितना भी जीरो रखें, तो अगर टी का मान जीरो रखूंगा तो देखें ये वाली टर्म पूरी जीरो, क्योंकि साइन जीरो का मान जीरो और साइन जीरो ये भी जीरो, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर जीरो रखूंगा तो कितना आएगा कोस बी टी, हाँ, और कोस यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा अपना कितना सी वन, हाँ सी वन, और कोस जीरो का मान वन होता है, सी वन इंटू वन, यानी कि सी वन का मान आपका जीरो है, अगर सी वन का मान जीरो है तो एक्स का जो सी वन के मान है वो जीरो आ गया आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अपन सी टू का मान निकालेंगे, हाँ सी वन आ गया, अब देखिए अब दिया अपने डी एक्स बाई डी टी जीरो, कब जीरो है जब टी बराबर जीरो है, तो यहाँ पर रखिए डी एक्स बाई डी टी, अब इसमें रखा ये जीरो है ना, क्यों डी एक्स बाई डी टी जीरो कब है जब टी जीरो, तो देखिए टी जीरो रखूंगा तो इसमें कैंसिल, इसमें रखूंगा तो कितना जाएगा बी इंटू डी इंटू सी टू इंटू वन, बी इंटू सी टू इंटू वन प्लस, अब देखिए अब कोस का फ्रैक्शन और के और कहाँ है देखिए, अगर इसमें रखूँ कहाँ गया इसमें रखूँ तो वन बाई टू, और साइन वाला तो वैसे भी जीरो आ गया, देखिए बात करो कोस बी टी तो वही वापस से क्या जाएगा टी, टी कितना है जीरो, तो यहाँ पर टी गुणा में है तो ये भी कैंसिल, तो यह आ जाएगा बस जीरो, है ना पूरा फंक्शन जीरो, तो सी टू का मान भी आपके पास क्या है जीरो, आपके पास सी वन भी जीरो और सी वन भी जीरो, ये आपको दिया है आपने जो कंडीशन दी है उससे निकाला है। देखें फिर बता रहा हूँ आपके पास ये इक्वेशन थी, इसमें पहले आपको x बराबर जीरो रखना है तो जब जब t बराबर भी जीरो तो रख के जो वैल्यू निकाली c1 की आ गई, फिर अपने को क्या करना है ये dx by dt आपको अगले स्तर रखा है अपने इसको जीरो के बराबर रखना है, कब जब t बराबर जीरो तो c2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो दोनों वैल्यू c1 और c2 वो इस इक्वेशन में रखने कंप्लीट वाली में, तो x की वैल्यू क्या रहेगा x की वैल्यू क्या आ गई c1 जीरो c2 जीरो तो वो तो खत्म, तो ये सीधी सीधी आ गई t by 2 और sin अब मिट्टी, ये होगा इसका आंसर, है ना ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन था विद कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन था, ठीक है उतार है सिंपल। और देखें अगर कई बुकों में अपने को क्या दे रखा है ये जो बी ये वाला बी इसकी जगह के दे रखा है, कई बुकों में के दे रखा है, तो बी के सी वो कॉन्स्टेंट ना सब जैसे जैसे करके निकाल सकते हैं उनको, है ना, अगर यहाँ पर ये k हो जाएगा तो ये b से b कटेगा नहीं, बस यहाँ पे k का b का b चलता रहेगा, k और इन्हीं k का k और b का b चलता रहेगा, तो लास्ट में आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अब b था तो b से कर दिया, है ना इसी। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज थी आपकी है ना इसमें d में सुने मेरी बात, इसमें ये जो आपकी एक्सरसाइज थी डी ये कंप्लीट हो गई, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस मेरी इच्छा से, बाकी कंप्लीट है बहुत क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है ये बता देता हूँ एक क्वेश्चन और थोड़ा सा कौन सा कराऊं ये है देखो क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना और प्लस है टू डी वाई बाई डी एक्स है ना और प्लस टेन वाई और प्लस थर्टी सेवन और कितना है साइन थ्री एक्स गौर से देखें आप इस क्वेश्चन को,
बस क्या चेंज कर दिया इसमें, हाँ कंडीशंस है वो बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देखें। अगर इस क्वेश्चन को आप आराम से देखें ना, ये क्वेश्चन है तो देखें बस इतना सा चेंज दिया है कि 37 साइन 3x जो है वो इस साइड दे दिया, और क्वेश्चन में लिखा है वाई का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फिर लिखा है जब x बराबर पाई बाई टू हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। और आगे दिया हुआ है अपने को प्रश्न में कि जब x का मान 0 है तो y का मान 3 है, dy बाई डी एक्स जो है वो 0 है आपका, ऐसा दे रखे हैं, ये इतनी कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को करते हैं, वही बात d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10, और यहाँ पर y और ये बराबर हो जाएगा माइनस 37 साइन 3x, भाई माइनस उस साइड ले जाओ उसको, क्योंकि ये y का फंक्शन है, उस साइड ले दो, qx वाला पार्ट है इस साइड ले दो। क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा है pi 0 होगा इसका, नहीं, देखिए py अब 0 कब होगा, जब ये भी y की टर्म दे रखी होती, समझ रहे हो ना, वो x की टर्म है तो qx वाला फंक्शन है ना ये वाला, ठीक है। अब देखें d को रिप्लेस कर दें m से, d को रिप्लेस कर दें m से, अगर d आपका m से रिप्लेस होगा तो देखें ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10, 2m प्लस 10, और ये जो है आपका वो आगे कितना हो जाएगा 2m प्लस 10। अब बोलो, अब जो आपका क्वेश्चन है हो जाएगा बराबर 0। अब देखें इसके सीधे तो फैक्टर हो नहीं सकते भाई, इस क्वेश्चन के सीधे से तो जो है वो फैक्टर हो नहीं सकते, तो फैक्टर क्या होंगे इसके, करने पड़ेंगे श्री द्राचार्य फॉर्मूले से, है ना। तो वो क्या होता है देखिए, इसमें a का मान कितना है, कोफिशिएंट 1, और m के साथ कोफिशिएंट कितना है 2, और c के साथ कितना है 10। देखें फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac y 2 2a, है ना। लिखो b की जगह तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और माइनस, और देखें 4ac यानी कि 4 इंटू 40, ठीक है ना। और इसके बाद देखें नीचे कितना है 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसको और सोल्व करूँ तो जगह माइनस प्लस माइनस, और ये कितना जगह 6 आएगा, 6 आएगा वाई 2, तो ये इसको और सोल्व करूँ तो जगह माइनस 1 प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे कि वो सी एफ का जो मान है आपका कितना आ गया, जो इसके फैक्टर है यानी कि m का इसका फैक्टर कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 आएगा। तो इसका जो सी एफ है वो सीधा सीधा हो जाएगा e की पावर माइनस x ब्रैकेट सी वन कोस 3x प्लस सी टू साइन 3x, हाँ यही होगा। अब देखिए हाँ, अब देखिए इसको ये हो गया आपका सी एफ, अब अपने को निकालना क्या पी आई, हाँ पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना है माइनस माइनस 37 और साइन है आपका साथ में 3x, ठीक है। और ये कितना है अपना डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10। अब देखें डी स्क्वायर को माइनस अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस करना है, अल्फा का मान 3 है तो माइनस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 9, तो रिप्लेस करें तो यहाँ हो जाएगा आराम से, तो जब माइनस 37 साइन 3x अपॉन ये हो जाएंगे माइनस का 9 और प्लस 2d प्लस 10, हाँ इसको अगर और सोल्व करूँ तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 37 साइन 3x अपॉन कितना आ जाएगा 2d प्लस 1, ये लो यहाँ तक सोल्व हो गया। अब देखो 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको, तो जगह 2d माइनस 1 और अपॉन 2d माइनस 1 और 37 साइन 3x अपॉन 2d प्लस 1। अब देखें इसको करूँगा तो माइनस को इसको अंदर गुणा कर देता हूँ, ये 1 माइनस 2d हो जाएगा ऊपर 1 माइनस 2d अपॉन, और ये कितना आ जाएगा 37 साइन 3x, और ये कितना आ जाएगा
तो प्रश्न में आपको साफ दे रखा है, क्या दे रखा है कि जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो y का मान 3 है, तो रखें हां। और देखें x का मान पाई बाई 2 भी दे रखा है अपने, तो वो भी चलता रहेगा, वो लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। अभी एक बार जितना गिवन कंडीशन है आगे वाले इनसे निकालेंगे, तो y का मान पहले dy और निकाल लें, समकलस dy / dx है ना। अवकलज की बात करेंगे तो अवकलज कितना हो जाएगा, देखें e की पावर माइनस x को रख लिया बाहर, फर्स्ट और सेकंड मान लो हां, तो इनका क्या हो जाएगा, हो जाएगा कितना c1 और sin 3x और वो माइनस आएगा अंदर और ये 3, यानी कि 3 c1 और ये माइनस है sin 3x और प्लस हो जाएगा 3 c2 और cos 3x, तो ये हो गया हां इसका प्लस। और फिर अब क्या करना है, अब ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा ये वाला, और इसका कर दिया पहले मैंने c1 cos 3x plus c2 sin 3x, हां ये हो गया। आगे वाले और कर दे, देखो आगे वाले का और करो, आगे वाले का करूंगा तो प्लस, हां cos का करूंगा तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस और ये हो जाएगा 18 sin 3x और आगे कितना है sin 3x, तो उसका जगह माइनस का 3 cos 3x, ये इतना बड़ा हो गया dy का, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हो जाएगा। अब देखो यहां से शॉर्टकट हो गया बहुत, अब देखो y का मान ये कह रहा 3 और x कितना कह रहा है 0, तो x 0 ये 1, ठीक है x 0 ये 1, ठीक है यहां पे x 0 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली ओनली c1 और ये खत्म, ठीक है। आगे चलो प्लस, ये देखें यहां से देखें वो 0 तो ये हो जाएगा 6 और ये वाला खत्म, यानी कि c1 का जो मान है वो आपका आ गया सीधा सीधा माइनस का 3, c1 की वैल्यू माइनस का ही 3। अब c2 की वैल्यू देखो, अब ये वाले इस वाले कंडीशन पे आ जाओ, जब कह रहा है dy / dx क्या है अपना 0, कब है जब x का मान भी 0, तो x का मान 0 देंगे, ये करेंगे तो वही e की पावर 0, हां e की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। और तो e की पावर 0 का मान 1, ठीक है आगे चले, और ये देखें माइनस का 3 sin ये खत्म, आगे वाले चले 3 sin 2 तो ये जाएगा 3 sin 2 फिर नेगेटिव साइन, ये लो लगा दिए, फिर नेगेटिव साइन और ये देखें वो हो जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा वापस माइनस का c1, माइनस का c1 और c2 फिर 0 माइनस और 18 वो sin 3x भी 0 और यहां पर आ जाएगा वो जो भी 3, ये इतना बड़ा वैल्यू आई है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखें 3 c2 माइनस c1 का मान कितना प्लस 3 और ये भी ये लो 3 3
देख लें एक बार, फिर से देख लें, कहीं कुछ चीज रह नहीं गई। ये हो गया, ये थ्री, ये माइनस का थ्री, ठीक है, माइनस थ्री सेवन। देखें ये जीरो था, ये वाला कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस, थ्री से टू, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है, फिर सेवन इसकी जगह रखूंगा तो ये सेवन ही आएगा, माइनस सेवन, फिर अंदर जाएगा, ठीक है, और वो वहां से कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री, ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब देखिए थ्री से थ्री कट गया तो अपना जो सी टी का मान है कितना था, जीरो। अब देखिए सी वन का मान जीरो है और सी टू का मान ये है ना, तो जो भी है अब यहाँ आ जाए, यहाँ ये वाले बता रहे तो काम नहीं आने, कोई काम नहीं है आने है, तो वाई का ही मान काम आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है सी वन का मान जीरो, ठीक है, रख दे, सी टू का मान जीरो, जीरो रखेंगे तो साइन वाली तो गई है ना, और फिर कह रहा है ये अपना सी वन का मान कितना है, सी वन का मान है जो अपना माइनस थ्री, तो इसको सॉल्व कर लें तो फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर रखें सी वन की वैल्यू कितनी थी, माइनस थ्री, थ्री और कोस थ्री एक्स, और सी टू अपना जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी कोस थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। अब देखें, अब यहां से देखें आप, अब कह रहा है कि x का मान y का मान कितनी थी, कितने पे, x बराबर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मतलब थ्री की बराबर माइनस पाई बाई फोर, और देखें पाई बाई फोर करूंगा, अगर पाई बाई फोर करूंगा, नहीं सॉरी पाई बाई टू करूंगा, पाई बाई टू करूंगा, तो ये देखें पाई बाई टू और प्लस थ्री, यानी कि 270 प्लस जीरो साइन जीरो, वो ये तो खत्म, और ये खत्म, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं ई की पावर फाइव बाई टू इंटू जीरो, क्योंकि इसका मान जीरो आ जाएगा प्लस। हाँ अब देखें वही बात है, ये कोस थ्री एक्स, फिर से कोस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू, और ये थ्री पाई बाई टू, यानी कोस 270, और कोस 270 कितना आता है, कोस 270 प्लस जीरो, यानी कि साइन में हो जाएगा तो वो भी जीरो, ठीक है, फिर ये जीरो और ये माइनस। अब देखें साइन 270, साइन 270 की बात करूंगा तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 270, साइन 270 को चेंज करेंगे तो कोस जीरो, और थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए इसलिए एक नेगेटिव साइन फोर किया जाएगा, वन, ये कितना आ जाएगा वन। हाँ तो जो वाई की वैल्यू है वो अपनी सीधी सीधी आ जाएगी इस क्वेश्चन की वन, ठीक है, तो वाई का आंसर कितना आ जाएगा वन, और वाई का मान ही अपने को याद करना था, ठीक है। तो देखें ये जो आपकी y की वैल्यू वो 1 आ गई, अगर आपसे पूछ ले कि y का मान कितना है तो 1, और अगर y का फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कितना है, ये वाला है ना, तो ये इसका y का फंक्शन हो गया, और y का जो मान है पाई बाई टू रखते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है, ये आप इतना इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सेकेंड यूनिट टू थी उसकी जो फर्स्ट डी वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि फर्स्ट ए भी कंप्लीट और फर्स्ट सी भी कंप्लीट, बी अभी छुड़वा दी है, वो बीच में करवाई जाएगी जब सब हो जाएंगे, आपकी पूरी यूनिट हो जाएगी और फिर लास्ट में कराई जाएगी, वो ए डी और सी तीन यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी, है ना, ये वाली कंप्लीट हो गई आपकी तीन एक्सरसाइज, ठीक है। अब कल जो शुरू होगी वो होगी फर्स्ट ई, है ना, तो ऐसा है, अब इसको पढ़ें और जो कुछ नहीं आए, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं वापस सॉल्व करवा दूंगा, और कहने का मतलब ये है कि आप इस चैनल को थोड़ा बढ़ाएं, आप शेयर करें, थोड़ा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना, थोड़ा सा शेयर कर दें इसको, ठीक है।